इसी तरह जो ऑप्टिमम है ना, आपको आप 30% फर्स्ट ईयर में आप रख दो कंसिस्टेंट पेमेंट आप, ताकि बिल्डर बना सके टाइम पे। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अच्छी डील नेगोशिएट करने के लिए ना ऐसा टेरा शेड्यूल बनाते हैं कि बिल्डर बना ही नहीं सकता, और हमें पता है, आज ही पता है कि बिल्डर हम इस शेड्यूल पे बना के दे ही नहीं सकेगा, लेकिन हम दे देते हैं उसको क्योंकि हमारे को डील मिल रही होती है। तो आपको ये एनालाइज करना है इस चीज में कि आप बिल्डर के साथ ऐसी डील बनाओ जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, और इनिशियल डिस्काउंट जो है वो एक सर्टेन लेवल का आप अचीव कर लो। सही है। अब दूसरा इसमें क्या है कि बिल्डर का कि उसकी प्रॉपर्टी फास्ट बिके, वो आप किस तरह कर सकते हो? सही, आप तो एक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लब कर देते हैं। सही, आप अकेले लेने जाओगे ना तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर हम दो लोगों को मर्ज करके चले जाते हैं कि भाई हमारे दो अपार्टमेंट्स हैं, तो आपको और अच्छी डील मिल सकती है, जिसको हम पूल बाय करते हैं। उस पूल में जितने लोग थे उन सब ने फायदा उठाया, फ्रॉम द इनिशियल पेमेंट 5-5 लाख रुपए का सबको डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह आप लोग क्या है कि इंडिविजुअल पूल्स भी बना सकते हैं। अब इसमें पूल्स भी मल्टीपल लेवल्स पे बनते हैं। सही है, आप पूल लैंड में बना सकते हो, जो अक्सर बिल्डर जो होता है, बिल्डर के पास जो लैंड होती है कमर्शियल लैंड, उसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। सही है, फिर उसके बाद अपार्टमेंट्स में भी को ओनरशिप होती है, एक अपार्टमेंट भी दो लोग मिलकर ले सकते हैं। सही है, तो अगर आपकी नहीं बन रही गुंजाइश, आप दो लोग मिलकर ले लो प्लॉट्स। सही है, को ओनरशिप पे चले जाओ, और अगर आपको डिस्काउंट्स लेना है तो 3-4 दोस्तों को मिलकर 5-6 लोगों को लेके आप वो, तो उससे आपने क्या बिल्डर का कौन सा गोल अचीव कर लिया, उसकी इन्वेंट्री ज्यादा बिक गई। सही है, तो वो खुश हो गया, उसने आपको अच्छी डील दे दी। सही है, तो ये आपको बिल्डर्स का माइंडसेट समझना है कि किस तरह से बिल्डर सोचता है, और आप बिल्डर के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो आप बहुत इजीली अच्छी डील ले सकते हो।